हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल की मेरी वीडियो। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा तो पुराना HRG गेमर चैनल वापस आ गया है। तो आज से हमने दोबारा से PC गेम्स वाली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया था तो अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही तबाहीदार वीडियोज़ आने वाली हैं और मैं आपको ऐसे ऐसी गेम्स बताऊँगा जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी भी नहीं होगी। तो खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Top 10 बेस्ट मिड स्पेस PC गेम्स फॉर 6GB रैम एंड 2GB रैम PCs 2024। मतलब वो गेम जो आपके 6GB रैम वाले PC के अंदर आराम से चल जाएंगे, जिनके अंदर जो 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड होगा। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, अभी से वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। मैं 10 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है डेविल्स हंट। ये एक एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन गेम है जिसे डेवलप किया है लायोपी गेम्स ने और पब्लिश किया है फलक्रम पब्लिशिंग ने। और 9 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है रोबो क्वेस्ट। ये एक रोग लाइट फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया है फ्रेंच इंडी डेवलपर राइज अप स्टूडियोज ने और पब्लिश किया है स्टार ब्रीज स्टूडियोज ने। मैं 8 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है X-Wing: Yuan Sword 7। बस इसका यही नाम है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, बस यही नाम है इसका। ये एक RPG मार्शल आर्ट्स गेम है जिसे डेवलप किया है सॉफ्ट स्टार और डोमो स्टूडियो ने और पब्लिश किया है सॉफ्ट स्टार और योरिका स्टूडियो ने। सेवन नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है थाइमीसिया। ये एक एक्शन RPG गेम है जिसे डेवलप किया है ओवर बॉर्डर स्टूडियो ने और पब्लिश किया है टीम 17 ने। हमारी 6 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है ग्लास विंग्स। ये एक फास्ट पेस थर्ड पर्सन पार्कोर प्लेटफॉर्मर गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश किया है वायलेट एंजल इंटरेक्टिव ने। हमारी 5 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है प्लेनेट ऑफ लाना। ये एक पजल प्लेटफॉर्मर गेम है जिसे डेवलप किया है विशफुली स्टूडियोज ने और पब्लिश किया है थंडरफुल पब्लिशिंग ने। हमारी 4 नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है वे ऑफ दी हंटर। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर हंटिंग गेम है जिसे डेवलप किया है 9 रॉक्स गेम्स ने और पब्लिश किया है THQ नॉर्डिक ने। हमारी
थर्ड नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है वेरा वुल्फ द एपोकलिप्स अर्थ ब्लड। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसे डिवेलप किया है सैनाइड ने और पब्लिश किया है नेकोन ने। हमारी सेकंड नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है डेमेयर 1994 सेंट कासल। ये एक थर्ड पर्सन स्टोरी ड्रिवन सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम है जिसे डिवेलप किया है इन्वेडर स्टूडियोज ने और पब्लिश किया है लियोनार्डो इंटरेक्टिव और फोर डिविनिटी ने। हमारी फर्स्ट नंबर पर जो गेम है उस गेम का नाम है सोल्स टाइस। ये एक फास्ट पेस हैक एंड स्लैश गेम है जिसे डिवेलप किया है रिप्लाई गेम स्टूडियोज ने और पब्लिश किया है मैक्सिमम इंटरटेनमेंट ने। चलो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप पकड़ देना। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड या फिर गेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फोन रिप्लाई दूंगा। और आपका वीडियो और अगर आपके दिमाग में कोई भी अच्छे अच्छे टॉपिक हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।